वेलकम टू न्यूज़ 21 दोस्तों, चलिए दिन भर की खबरों पर एक बार नजर डालते हैं। बैंगलोर के बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या वैक्सीन करप्शन में फंसे, सोशल मीडिया पर हुई न्यूज वायरल। वैक्सीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जी नरेंद्र मोदी को घेरा, ऑर्डर करने में देरी की, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के चीफ। बड़े बड़े देशों ने 2020 में ऑर्डर दे दिया था, पीएम ने वैक्सीनेशन से 5 दिन पहले ऑर्डर दिया, ये कहते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है, और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे। जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का, अप्रैल अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जो आज बाहुक होकर आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए वो? 5 दिन पहले, वैक्सीनेशन देने से 5 दिन पहले वो शुरू करते हैं। ट्विटर पर कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस ने किया ट्वीट। अब तक की सबसे बड़ी खबर, भारत को मिली सऊदी अरेबिया से और मदद। सऊदी अरेबिया ने वादा किया है भारत को और ऑक्सीजन कंटेनर सप्लाई करेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं और खबरों के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।